अभिनंदन, आभार, आदर नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 5 ईयर BA LLB कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके पैटर्न, करियर आफ्टर BA LLB और किस तरीके से ज्यादा मेहनत की जाए कंसिस्टेंसी के साथ कि आप इस महान इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन सके साल 2020 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करके। आप सभी से एक गुजारिश है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने सुनने का प्रयास कीजिएगा और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को, आप सुनते चलिए मेरे साथ साथ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA LLB ऑनर्स 5 ईयर कोर्स, यह कोर्स जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साल 2014 से चलता आ रहा है और साल 2019 में इसका पहला बैच पास आउट हुआ है। सबसे पहले ही बात कर लेते हैं कि इसका जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड दर्ज है पिछले साल का, तो जो मैक्सिमम पैकेज गया था वह 13 लाख का गया था। अब आगे चलते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन, 5 साल का कोर्स है, 10 सेमेस्टर का कोर्स है और रेगुलर कोर्स है ये। मिनिमम एलिजिबिलिटी यह होनी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट क्लास 12th पास होना चाहिए, इवन दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग देयर बोर्ड एग्जाम्स इन द ईयर 2020 दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दैट इज BHU BA LLB एंट्रेंस। और दूसरे तरीके से किसी भी स्टेट बोर्ड, किसी भी सेंट्रल बोर्ड से प्रमाणित विद्यालय के से उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स 50% इज रिक्वायर्ड। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST के अंदर आते हैं तो 45% में भी उनका नामांकन हो जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद। अब आगे चलते हैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, तो देयर आर मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स इज 30 इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल एंड मैक्सिमम इज 74। पिछले साल तक ये सीट 60 थी मैक्सिमम, लेकिन इस साल से सीट्स बढ़ाई गई हैं और 74 इज द मैक्सिमम सीट। कोर्स फी 60,000 पर एनम, 60,000 रुपया प्रति वर्ष फी है इसकी, यानी कि 5 साल पढ़ाई करने के बाद में 3 लाख रुपए फी है। तो अगर BA LLB की कोर्स की बात करें, अगर क्लैट के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये फी फिर भी बहुत कम है, क्योंकि जितने भी NLUs हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी फी 1 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कम है, काफी कम है। और यहां पर सीटें भी उस हिसाब से कम ही है, 74, लेकिन यहां की जो फैकल्टी है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है। तीसरे चौथे नंबर की जो लॉ फैकल्टी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पूरे हिंदुस्तान के अंदर आती है, उसे फैक्ट्री ऑफ जजेस भी बोला जाता है। हर एक साल आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो जितनी भी जज की वैकेंसी आती है उसमें से 20%, 30%, 35% तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट जरूर वहां पे होते हैं। इस चीज को मैं बखूबी जानता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको ये बहुत ज्यादा चिंता होती है कि आखिर BA LLB कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे आपके, तो वो सारी चीजें मैं एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से इसे सुनिए। करियर्स आफ्टर BA LLB। BA LLB इज एन एक्साइटिंग कोर्स, इट ओपन्स अप मल्टीपल करियर एवेन्यूज फॉर यू एंड अर्न्स यू अ रेपुटेबल पोजिशन इन द सोसाइटी। हेयर आर अ फ्यू करियर ऑप्शंस You can pursue after completing BA LLB. एक तो पहली बात है कि जैसे ही आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल्स की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहली बात तो संविधान का पूरा ज्ञान होता है, उसके साथ ही साथ हमारे देश में जो गवर्नमेंट सिस्टम है किस तरीके से काम करती है, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, या इवन नगर पंचायत या पंचायत समिति हो, ये सारी चीजों की जानकारी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस कोर्स में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो आप इन सब चीजों को बखूबी जानते हो। और उसके साथ ही साथ सारे कानून कायदे जो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, तो इसलिए यह कोर्स काफी ज्यादा रेपुटेबल है, जो आपको एक सोसाइटी में एक बढ़िया पोजीशन देता है। अब करियर की बात करते हैं, तो एक तो सबसे पहला इज कि आप चूंकि लॉ कोर्स कर रहे हैं तो लॉयर ऑब्वियसली बनोगे। अ लॉयर इज एन इंडिविजुअल हु प्रैक्टिस लॉज एज अ प्रोफेशन, दे रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन द कोर्ट। तो ये लॉयर की नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। दूसरा है लीगल एडवाइजर। अ लीगल एडवाइजर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस एंड सर्विसेज टू द कॉर्पोरेशंस और एसोसिएशंस। तो आजकल बहुत सारी MNCs हैं भारत के अंदर, वहां पर जाकर के आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो, और बहुत सारी कंपनीज जो है वो अच्छे पैकेज में बडिंग लॉयर्स को वहां पर रिक्रूट करती है,
या उनको लीगल एडवाइजर के तौर पर अपने यहां रखती है। इसके बाद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये गवर्नमेंट जॉब है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लॉयर हायर्ड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द क्रिमिनल ट्रायल्स। तो ये जरूरी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा ही इनकी वैकेंसीज निकालता रहता है। इसके थ्रू आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देकर के जा सकते हैं। जज है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्रोफेशन इन द कंट्री। अ जज हैज टू बी फेयर राइटियस एंड पैशनेट टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग जस्टिस। तो जज कौन होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीसीएसजे का एग्जामिनेशन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, और उसको पास करने के बाद में आप जज बन सकते हैं सिविल कोर्ट में। ऑल राइट, वहां से स्टार्ट होते हैं, फिर आपकी करियर आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी आप पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी यू हैव टू कंप्लीट अ कोर्स सर्टिफाइड बाय ISCI। इट इज अ रेप्यूटेड एंड वेल पेइंग जॉब। कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं और इसमें भी काफी ज्यादा पैसे हैं, बहुत ही रेप्यूटेबल जॉब भी है और उतना ही ज्यादा सैलरी पैकेज भी। इसके साथ ही साथ अदर करियर ऑप्शंस क्या होंगे, जितने हमने आपको बताए अभी पांच मुख्य, उसके साथ ही साथ लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में आप IAS यानी कि UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आप लॉ को एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट रख के और परस्यू कर सकते हैं उस चीज को, एंड क्या कहते हैं कि प्रिपरेशन में हिस्सा बना सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें जाते भी हैं जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं। दूसरी है जैग्स एंट्री, सर्विस इन आर्मी। ये है जज एंड एडवोकेट जनरल के नाम से ये एंट्री होती है। आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं तो आपको मौका मिलता है इंडियन आर्मी के अंदर SSB डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए। अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, उनके अंदर जो जुडिशियरी होती है, जो आर्मी के कायदे कानून होते हैं उसके अंदर में। तो ये भी एक बहुत अच्छा सर्विस, और फर्स्ट क्लास ऑफिसर आप सीधा बनते हैं अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्वालिफाई कर लेते हैं, दैट इज अ नेम ऑफ द इंटरव्यू। इसके बाद है कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, वर्किंग विद द लॉ फर्म्स। लॉ फर्म्स वो जगह होती है, एक फर्म के अंदर एक संस्था होती है जिसके पास बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में वो माहिर होते हैं, उनको जानकारी होती है, और फिर जो भी केसेस उनके पास आते हैं तो पर्टिकुलर लॉयर उसको हैंडल करते हैं या उस केस को सॉल्व करते हैं जाकर के कोर्ट में, उनके क्लाइंट के साथ जो है उनको सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज कॉल्ड लॉ फर्म्स। ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, आप इसमें भी जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़े दिन बाद हो जाता है तो आप खुद का लॉ फर्म भी बना सकते हैं। लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग देन प्रैक्टिस इन क्रिमिनल सर्विस और इनकम टैक्स एज एन एडवोकेट। दिस इज ऑल अबाउट योर करियर ऑप्शंस वंस यू बिकम लॉ ग्रेजुएट, और वो भी 5 साल का कोर्स के बाद। हालांकि ये कोर्स जो है ज्यादातर साल 2008 के बाद प्रचलित हुआ, क्योंकि जब से NLU's का कॉन्सेप्ट आया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, अभी हिंदुस्तान में 23 NLU's हैं और उनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका नाम है CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो आप उसमें भी जा सकते हैं। इनफैक्ट अब आते हैं हम सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ते हुए एंट्रेंस पैटर्न पे। एंट्रेंस पैटर्न आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 5 ईयर लॉ का जो है वो क्या क्या पोजीशन कैरी करता है, किन किन चीजों से मिला करके बनता है, कैसे कितने मार्क्स होंगे, कितना समय दिया जाएगा, और उन सब एरियाज को कवर करके आपको बेस्ट तरीके से क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, क्या क्या पढ़ना होगा ताकि आप इस एग्जामिनेशन को ईज के साथ क्रैक कर पाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में होंगे, MCQs होंगे। 150 क्वेश्चंस 450 अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 3 अंकों का होगा। 150 × 3 = 450। समय दिए जाएंगे आपको 2 घंटे 120 मिनट्स, और इस साल से ये एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन किया जा चुका है, इसलिए अच्छी बात है कि आपका थोड़ा बहुत समय जरूर बचेगा, क्योंकि जहां पर आप गोले लगाते थे उस जगह सिर्फ माउस के क्लिक से आपका आंसर सिलेक्ट हो जाएगा, तो दैट विल सेव योर टाइम। 120 मिनट 150 क्वेश्चन को करने के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। सो ये चीज कैसे होगी, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो
स्टेटमेंट को पढ़ने की स्पीड होनी चाहिए, वो तेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर आप धीरे धीरे इस चीज को कर ले जाएंगे। अभी भी 100 दिन से ज्यादा वक्त है, आप ईज के साथ इस चीज को हर दिन 4 से 5 घंटा अगर पढ़ेंगे सीरियसनेस के साथ तो कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन कंटेंट, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स। अब जनरल अवेयरनेस तो लिख तो दिया है लेकिन ये बहुत ही वास्ट है, इसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ पॉलिटिकल साइंस के होंगे, जो हमारी गवर्नमेंट चलती है किस तरीके से, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होता है, प्रधानमंत्री कैसे नॉमिनेट होता है, और उसके साथ ही साथ जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे मान के चलो अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, कैग हो गया, उसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ये सारी चीजों को मतलब बॉडीज को कौन कौन अपॉइंट करता है, किस तरीके से उनके क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, कितने साल के लिए होते हैं, क्या उनका टर्म है, व्हाट इज देयर रिटायरिंग एज, इन सब चीजों को मिलाकर के बहुत सारे आपके सामने प्रश्न आते हैं। कुछ हिस्ट्री से भी होंगे, कुछ जियोग्राफी से होंगे, कुछ जनरल साइंस से होंगे, जो डे टू डे लाइफ में हम साइंस यूज करते हैं, जो फिनोमिनन और साइंटिफिक रीजन उसके पीछे प्रचलित है या जो भी है, वो सारी चीजों से प्रश्न होते हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स के लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जरूर, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ कवर करना होगा, खास करके अभी फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, और अभी हमने बताया आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके अध्यक्ष कौन है, किस पोजीशन पे कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, उसी के साथ साथ एडवोकेट जनरल क्या होता है या इस जगह पे कौन है, उसी के साथ साथ आपको ये भी तय करना होगा, याद करना होगा कि किस स्टेट का गवर्नर कौन है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से रट के रखनी होगी, बार बार पढ़ना होगा ताकि आपके जहन में रहे और जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठे तो ईज के साथ उसको सही कर पाए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। दूसरा है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल नॉलेज। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर देखिए आपसे आप जनरली इंडियन पेनाल कोड और सीआरपीसी के सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपका ये चेक किया जाता है कि आपको जो भी वहां पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे इन्फर करके, उससे इन्फ्रेंस निकाल के आप क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हो कि नहीं। तो जो भी वहां पर स्टेटमेंट लिखा होता है और उसके जो ऑप्शंस होते हैं, स्टेटमेंट के आधार पर ही आपको आंसर देना होता है, ये नहीं कि खुद से अपना उसमें कॉमन सेंस लगाए, अपना लॉजिक लगाया अपने तरफ से कि ये सही है गलत है और फिर उसका आंसर दे दिया, ऐसा नहीं। आपको जो भी कुछ देना है उस स्टेटमेंट के आधार पर देना है, वहां से इन्फर करके देना है। तो लीगल एप्टीट्यूड के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वहां यही चेक किया जाता है। उसी के साथ साथ लीगल नॉलेज में कुछ लीगल वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स, जैसे प्राइमा फेसी हो गया, या उसी के साथ साथ और भी डबल जियोपार्टी हो गया, कहां से आए हैं, उनका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में, तो वो सारी चीजें पूछी जाती है, तो उस चीज को याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। लीगल एप्टीट्यूड के पोर्शन को, जो स्टेटमेंट वाला हमने कंटेंट बताया है, उसको आप यूनिवर्सल्स की गाइड में पाएंगे बहुत सारे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे 400-500 अगर उस तरह के स्टेटमेंट को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से एग्जामिनेशन के सवालों को बहुत ही ईज के साथ हल कर पाएंगे। तो जरूर उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। और लीगल नॉलेज में हमने बताया है कि कई सारे लीगल वर्ड्स होते हैं, लीगल फ्रेजेस होते हैं, तो उन सबको याद करके रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चन होगा, तीन होगा, तो उसको याद करके रखेंगे तभी तो आप सही कर पाएंगे। देन इट कम्स मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही कंटेंट होंगे। इसमें कुछ मैथमेटिक्स के भी सवाल होते हैं, तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ साथ आपको कुछ मैथमेटिक्स के भी सवालों को हल करने पड़ेंगे, जो कि बेसिकली नंबर सिस्टम से होंगे, मेंसुरेशन से होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से हो सकते हैं, परसेंटेज से हो सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से हो सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजों को मिलाकर के बनते हैं। तो मेंटल एबिलिटी एंड जनरल मैथमेटिक्स भी उसी में आ जाता है। इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसके लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो सकते हैं, उसी के साथ साथ टेंस, वॉयस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीजों को मिलाकर के बनते हैं। और कुछ पैसेजेस भी होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, उसके आधार पर एमसीक्यूज के जो प्रश्न होंगे उनको उत्तर देना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे कि आपके लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है जहां से प्रिपरेशन कर सके। तो
सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, चाहे वो 3 ईयर हो या फिर 5 ईयर हो, सभी के लिए यूनिवर्सल गाइड जो है सबसे बेस्ट है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैक्सिमम लॉ एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं, जो भी मेंटर्स हैं, जो बड़े बड़े लीगल इंस्टीट्यूशन के प्रिपरेशन के मालिक हैं, सीईओज हैं, वो रिकमेंड करते हैं। तो साल 2020 का एडिशन भी आ चुका है, कलर इसका चेंज है, यही मिलेगी आपको यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी बाय लेक्सिस नेक्सिस। इस चीज को जरूर खरीद लेना है, मोटी बुक है काफी है और 500 से 600 रुपए के बीच में आती है। अगर इस किताब को बहुत अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार खत्म कर लेते हैं आप, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक और बात बता देते हैं कि आखिर कितना स्कोर करेंगे आप ताकि आपका सीट जो है बिल्कुल सेफ हो जाएगा, सेफ जोन में आ जाएंगे। तो आपको पता है, हमने शुरू में ही बता दिया कि 450 अंकों की यह परीक्षा है, जिसमें से आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि 325 से ऊपर मार्क्स लेकर के आएं। अगर 325 से ऊपर मार्क्स लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन होगा 110 क्वेश्चन का, 150 में से 110 क्वेश्चन का जो है आपका टारगेट होना चाहिए, 110 115 का टारगेट होना चाहिए सही करने का। क्योंकि ये तो बात बिल्कुल तय है कि 150 में 150 आप कभी भी सही नहीं कर सकते, लेकिन 110 115 तक पहुंच सकते हैं अगर आप सब कुछ, जितनी भी चीजें मैंने बताई है, उसका 80% भी आप फॉलो करेंगे तो जरूर कीजिए। क्योंकि ये कोर्स वाकई बहुत अच्छा है, बहुत उमदा है, बहुत रेप्यूटेबल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे दोस्त जितने भी हैं जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ लॉ ग्रेजुएट हो भी चुके हैं, वो सभी बताते हैं कि लॉ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो जब हमारे साथ ग्रेजुएशन कर रहे थे और करने के बाद में जब लॉ पढ़ रहे थे, तो बहुत बार ऐसा बताते थे कि इट इज सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, दिलचस्पी आ रही है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपका टारगेट जो है 325 से ऊपर होना चाहिए, निश्चित रूप से आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि दिनों दिन कट ऑफ बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी अपने आप को बढ़ाना होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफी अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो करना ही करना है। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कॉन्ट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गुड लक।